वेलकम टू माय चैनल और आज की मेरे एक और नई वीडियो में एक और नए इंटरव्यू में आप सबका स्वागत है। और गाइस आज मेरे साथ है रमेश सोनिक फ्लोर से। और गाइस ये बहुत ही अच्छे इंसान है एंड फ्लोर में ये बहुत ही बड़े प्रॉपर्टी डीलर है और इसी के साथ एक बहुत ही अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं, जिसके सिलसिले में आज मैं इनका इंटरव्यू करने वाला हूँ और इनसे मिला तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई इनसे मिलके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज इनका इंटरव्यू। तो रमेश सोनिक, सबसे पहले जो मेरे व्यूवर हैं जो हमको देखते हैं, आप उनको सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपको दोस्तों दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप अपने परिवार में खुश रहें, माता रानी आपका हर दुख दूर करें, माता रानी आपको खुशियाँ दें, महालक्ष्मी आपके खजाने भरपूर भरे। मैं आप कामना करता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, माता रानी आपको सब कुछ दे जो आप लाइफ में बनना चाहते हो। थैंक यू सो मच। और रमेश सोनिक जी, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप फ्लोर सिटी में कब से हैं और कितनी देर से प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं फ्लोर से तकरीबन बहुत पुराना रह रहा हूँ, जब से मेरे मम्मी पापा रह रहे हैं तभी से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और प्रॉपर्टी का काम करते हुए मुझे 12-13 साल हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ही मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो ड्रीम है, आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है? दोस्तों मेरी ड्रीम है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, नए नए दोस्त बनाना चाहता हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है जब मैं ब्लॉग बनाने जाता हूँ, कहीं घूमने जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, हिमाचल जाता हूँ, तो नए नए लोग मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मौका मिलता है। मैं अपनी ज़िंदगी को बल्कि जी रहा हूँ, कुछ तो लोग टाइम काटने आते हैं ना, जैसे मैं अपनी लाइफ को जीने आया हूँ, महसूस कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी बात है, तो इनकी जो थिंकिंग है बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। और रमेश सोनिक जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी फैमिली में कौन है और आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, एक मेरी वाइफ है और दो मेरे बच्चे हैं। मेरी जो गुड़िया है हिमाचल में स्टडी करती है, छोटी है, और घर में मेरी वाइफ है और मेरा एक छोटा सा बेटा है। सो गाइस, इनकी जो फैमिली है बहुत ही क्यूट है। और इसी के साथ ही मैंने देखा है YouTube पे बहुत ही अच्छी वीडियो डालते हैं ये फैमिली वीडियो। और गाइस इनका बहुत ही प्यारा चैनल है YouTube पे सोनिक फूड एंड ट्रैवलिंग, एंड इनके वीडियो बहुत अच्छी भी होती हैं, फैमिली के साथ बैठ के देखने योग्य होती हैं। और गाइस ये बहुत ही अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं, फूड ब्लॉगिंग करते हैं और फूड की रिव्यू करते हैं। सो गाइस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका एक चैनल सोनिक फूड एंड ट्रैवलिंग जरूर विजिट करें। मैं चाहता हूँ कि जो आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, आप टाइम निकाल पाते हो, आपकी फैमिली जो आपको सपोर्ट करती है, सारी फैमिली? जी हाँ दोस्तों, अगर आप वाकई में कुछ अच्छा काम करेंगे तो जरूर आपको सभी साथ देंगे, अगर आप बुरा काम करेंगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है तभी मैं पूरा इंडिया घूम पाता हूँ, अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं कहीं भी जा सकता। अगर मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बच्चा स्कूल जाता है, घर की जिम्मेवारी होती है, तो उनको छोड़ के भी कभी कभार मैं बहुत दूर जाता हूँ। जैसे आपने मेरी नैनीताल वाली वीडियो देख लेना, राजस्थान देख लेना, मैं जम्मू गया, मैं मनाली गया, धर्मशाला गया, शिमला, देहरादून, चंबा, खजियार, बहुत जगह घूमू, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, तभी मैं जाता हूँ अगर मेरी फैमिली, मेरे ससुराल वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी मुझे प्यार करते हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसीलिए वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो इसी के साथ ही रमेश सोनिक जी ने बता दिया जी जहाँ जहाँ घूमे हैं, बहुत ही जगह घूमी है इन्होंने, अपने सारे ब्लॉग्स और वीडियो डाले हैं इन्होंने, तो आप पे इनका चैनल एक बार जाके जरूर विजिट कर लें। और रमेश सोनिक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका जो कौन कौन सी जगह घूमे हो और अभी कौन कौन सी जगह बाकी है घूमने के लिए? दोस्तों मैं महाराष्ट्र घूमना चाहता हूँ, मुंबई जाना चाहता हूँ, केरला जाना चाहता हूँ, आसाम जाना चाहता हूँ, वहाँ की जो नेचर है अपने आप में बयान करता है, आपको जाके पता लगता है कि वाकई में कुदरत धरती पे है। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ के, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे थोड़े पंजाब के लोग कहना तो नहीं चाहिए, थोड़े कम पढ़े लिखे हुए हैं, बात को समझते नहीं है, जल्दी अग्रेसिव हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं। जो महाराष्ट्र के लोग होते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, ना तमिलनाडु केरला, हर वक्त इंग्लिश में बात करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ना टाइम की बचत करते हैं, ऑफिस जाते रहते हैं, सैंडविच पकड़ा होता है, खाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। तो वहाँ के लोगों को मैं मिलना चाहता हूँ, एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करना चाहता हूँ।
बहुत ही अच्छी थिंकिंग है, ये सब तभी संभव हो पाएगा अगर आप इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं ये, इसी के साथ ही बहुत ही अच्छी थिंकिंग है और इनकी थिंकिंग को सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस ज्यादा से ज्यादा इनकी वीडियो जाके जरूर देखें, बहुत ही अच्छे ट्रैवलिंग करते हैं। तो गाइस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश सोनी से ये पूछना चाहता हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री में, हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जे किन को पसंद ज्यादा करते हैं? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं श्री अमिताभ बच्चन जी को पसंद करता हूँ, ए आर रहमान जी को पसंद करता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी को पसंद करता हूँ। ये बहुत अच्छे इंसान होते हैं, ये देवता के लायक होते हैं, तभी लोग इनको प्यार करते हैं, तभी इनके गाने सुनते हैं, इनकी वीडियो देखते हैं। लोग क्रिकेटर में भगवान सचिन तेंदुलकर को समझते हैं, वो क्यों, वो नेक इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है। दोस्तों आप भी अपने बच्चों को इनके साथ जोड़िए, इनको कुछ बनने के लिए, ऐसा कुछ बनने के लिए प्रोत्साहित करें अपने बच्चों को। सो गाइस इसी के साथ ही इनकी बहुत ही अच्छी थिंकिंग है और नेक थिंकिंग है बच्चों और फैमिली को लेके। और इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश सोनी थी आपसे पूछना चाहता हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री और हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप किन एक्टर और एक्ट्रेस को पसंद करते हो? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्यार ए आर रहमान जी को करता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी ब्लॉग शूट करने जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मैं अपने कानों में हेडफोन लगा के सिर्फ ए आर रहमान जी के गाने सुनता हूँ। आप उनके गाने सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे, कोक स्टूडियो के जाके आप उनके गाने सुन सकते हैं। अगर बॉलीवुड की बात करें तो मैं अमिताभ बच्चन जी को बहुत प्यार करता हूँ और उनकी वीडियो देखना पसंद करता हूँ, जो जो उनकी वो फिल्म है सब सभी देखता हूँ। तो मैं ए आर रहमान और अमिताभ बच्चन जी को। इसी के साथ ही अमिताभ बच्चन जी के लिए बहुत बड़े फैन है। सो आज तक अमिताभ बच्चन जी के किरदार से आपको क्या सीखने को मिला? मुझे ये सीखने को मिलता है, जब उनको कोविड हुआ था तब भी वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को ठीक किया और दोबारा सीरियल हमें देखने को मिलता है कौन बनेगा करोड़पति। सो क्लैपिंग। तो मेरी बात को आप ध्यान रखें, आपने कहीं भी जाना है ट्रेन में, खाना खाना है तो बिल जरूर लेना है, और याद रखें अगर आपने जल्द से जल्द पहुंचना है तो दुरंतो ट्रेन पकड़नी है आपने, उसमें आपका टाइम भी बचेगा, उसमें पैसे भी कम लगते हैं और आप आसानी से पहुंच भी जाएंगे, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा भागेगी, कहीं रुकेंगी तो टाइम ज़्यादा वो कवर कर लेगी। आप गरीब रथ ट्रेन में भी जा सकते हैं, जो श्री लालू प्रसाद जी ने चलाई थी हमारे लिए, गरीब लोगों के लिए चलाई थी, वो फुली एसी होती है, उसमें किराया बहुत कम होता है, उसके बारे में भी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ ही इससे पता चलता है कि ये वीडियो के जरिए बहुत लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और इनके अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है और आगे आगे इनकी वीडियो आती रहेगी। आज का जो इंटरव्यू, होप यू आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो। और लास्ट में मैं पूछना चाहता हूँ रमेश सोनी से, हमारे जो व्यूअर हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हो, कुछ लास्ट में इस इंटरव्यू में बोलना चाहते हो? दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने टाइम निकाल के छोटी सी हमारी वीडियो देखी, आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, आपके लिए हम घूमते हैं। अगर आप हमें प्यार नहीं करेंगे, आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे। जो टीवी में मीडिया होता है ना, ये बिका हुआ होता है, इन पे जो ऐड आते हैं वो पैसा कमाते हैं, ये गोदी मीडिया उसको बोलते हैं। जो यूट्यूबर होता है ना, वो दिल से आपको कोई चीज़ दिखाता है, वो कैसे कैसे करके पैसे इकट्ठे करके आपके लिए वीडियो क्रिएट करता है, आपको इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करता है, तो आपकी हेल्प हो जाती है और इसमें यूट्यूबरों को खुशी मिलती है। तो वो जो वीडियो आप देखते हो अपने मोबाइल पे, यूट्यूब पे देखते हो, फेसबुक पे देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, वो वीडियो को कृपया शेयर करें, लाइक करें, तभी हमें आप हमें खुशी मिलेगी, हमारे हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट की जरूरत होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलके बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच।